बच्चों यहाँ पर हमें दिए गए हैं फोर ऑप्शंस। फर्स्ट है 52 एंड 142, सेकंड है 54 एंड 126, नेक्स्ट है 56 एंड 168 और लास्ट ऑप्शन है 58 एंड 184। हमें देखनी है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि तीन ऑप्शंस में तो सेम है लेकिन वन कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यदि हम इन ऑप्शंस में देखें कि नंबर्स को प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करके तो हमें इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। अब यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 5 एंड 2, 5 प्लस 2 हम करें तो 7 मिलता है। इसी तरह 142 में 1 प्लस 4 प्लस 2 करके भी हमको 7 मिल जाता है। फिर 5 और 4 को प्लस करके 54 में हमें 9 मिलेगा और 126 में 1 प्लस 2 प्लस 6 करके भी हमको 9 मिल जाता है। 56 में 5 प्लस 6 करके हमें 11 मिलता है और 1 प्लस 6 प्लस 8 करें तो हमको मिलेगा 15, जो कि थोड़ा डिफरेंट है। इसी तरह 5 और 8 को हम प्लस करें हमें 13 मिलता है और 184 में 1 प्लस 8 प्लस 4 करके हमको मिलता है 13। तो इस तरह हमें मिल जाती है कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि तीन ऑप्शंस में तो सेम है लेकिन वन ऑप्शन ऐसा है जो जिसमें वह प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है। इन दोनों को प्लस करें तो हमारा जो है वो इक्वल नहीं होता, 5, 6 और 168 में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर होना चाहिए 56 एंड 168। बच्चों यहाँ पर हमें दिए गए हैं फोर ऑप्शंस। फर्स्ट है 4 एंड 9, नेक्स्ट है 25 एंड 36, थर्ड ऑप्शन है 49 एंड 64 और लास्ट ऑप्शन है 80 एंड 100। इन फोर ऑप्शंस में हमें देखनी को इस तरह की प्रॉपर्टी जो कि थ्री ऑप्शंस में सेम है पर फोर्थ ऑप्शन में जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। इन नंबर्स को हम प्लस करके माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखें तो हमें इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। अब यदि इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर यानी 4। इसी तरह 9 को हम देखें तो वो 3 का स्क्वायर है यानी 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, इस तरह का सीक्वेंस हमें एक मिलता है। यहाँ पर हम देखें 25 ये 5 स्क्वायर है तो 36 जो है वो 6 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखें 49 तो ये है 7 स्क्वायर और 68 4 को हम देखें तो 8 स्क्वायर हो गया, यहाँ भी 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर हो गया। लेकिन 80 को यदि हम देखें तो वो किसी सिंपल नंबर का स्क्वायर नहीं है जबकि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो इस तरह हमें मिल जाती है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि तीन नंबर्स में तो सेम है और फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यहाँ पर हमने जो थ्री ऑप्शंस लिए उनमें 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 6 स्क्वायर इस तरीके से हमको मिले लेकिन 80 और 100 में प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है, तो हमारा आंसर है 80 एंड 100।